गाड़ी के अभी हमने प्लग ओपन किए हैं, प्लगों की आप कंडीशन देख सकते हैं। प्लग जो है ना फुल ब्लैक है। ये ना इसका फॉल्टी सेंसर है, ये देख रहे हैं आप। गाड़ी जो है ना बहुत ज़्यादा लंबा सल्फ ले रही है और स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही। अस्सलामुअलैकुम, ये गाड़ी है 2013 मॉडल, इसमें एरर ये आ रहा है कि गाड़ी बहुत ज़्यादा लंबा सल्फ ले रही है और हंटिंग करते हैं ना स्टार्ट होने के बाद। इसको स्कैनर ऑलरेडी हमने लगाया है और DTC रीड किया है तो ये कोड आ रहा है P0340 केम शॉर्ट पोजिशन अ सर्कट बैंक वन और सिंगल सेंसर। तो अभी उसको चेक करते हैं और फिर आपके साथ ना शेयर करते हैं कि क्या मसला है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं गाड़ी अभी स्टार्ट है और आइडल पोजीशन पर है और गाड़ी की जो चेक इंजन लाइट है ना वो भी ऑन है। मैं मज़ीद आपको नज़दीक करके दिखाता हूँ, जो इसका RPM है ना वो काफ़ी डाउन हो जाता है। जिसका RPM डिक्रीज़ हुआ है तकरीबन 400 और 500 पर आया, इसके बाद ये ना 900 RPM पर चला जाएगा। इसका जो RPM है ना वो अप एंड डाउन होता रहता है और जो गाड़ी है ना वो हंटिंग करती रहती है, बहुत ही ज़्यादा हंटिंग करती है। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पे दिखाया, बहुत ही ज़्यादा लंबा सल्फ लेती है और उसके बाद ना जाके स्टार्ट होती है और RPM जो इसके है ना वो अप एंड डाउन होते रहते हैं। जैसा कि आप अभी भी देख सकते हैं कि इसका जो RPM है ना वो अप एंड डाउन हो रहा है। गाड़ी को भी एक्सलरेट नहीं किया हुआ, एक्सीलेटर पैनल आप देख रहे हैं फ्री है बिल्कुल, लेकिन जो RPM है ना वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा लंबा सल्फ लेने के बाद ना गाड़ी स्टार्ट हुई है और आप चेक कर सकते हैं कि जो इसका इंजन है ना वो किस तरह से हंटिंग कर रहा है। हंटिंग का साउंड आप सुन सकते हैं। और ये गाड़ी स्टार्ट होने के बाद ना पटाखे भी मारती है, हल्का सा साउंड है पटाखों का आप सुन सकते हैं जिन्हें स्टार्ट करती है। ये ना इसका फॉल्टी सेंसर है, ये देख रहे हैं आप। गाड़ी जो है ना बहुत ज़्यादा लंबा सल्फ ले रही है और स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही। अभी हद से फुल एक्सीलेटर दें गाड़ी को फिर सल्फ लगाएं। ये देखें फुल एक्सीलेटर दिया है, थोड़ा सा बचा के रखा है, गाड़ी स्टार्ट हो गई है। अगर आपकी गाड़ी में भी यही मसला आता है ना आप उसका गेम सेंसर चेक करें। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो ना आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे और ना ही वीडियो को लाइक कर रहे हैं। उनसे भी गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सेंसर भी प्लेस करते हैं और गाड़ी को क्लियर करते हैं। केम सेंसर जो ख़राब है ना फॉल्टी है, गाड़ी खुद ब खुद ना रेस भी हो रही है और जो इसका RPM है ना वो इंक्रीज़ भी हो रहा है और डिक्रीज़ भी हो रहा है। ये आप देख सकते हैं जो इसका अल्टरनेटर है ना वो वाइब्रेट कर रहा है। जो गाड़ी का ECM है ना उसको सही तरह से सिग्नल नहीं मिल रहे। जो केम है ना कि उसकी पोजीशन कहाँ पर है, जो पिस्टन है गाड़ी में उनकी पोजीशन अप है या डाउन है, ठीक है ना, वो सही तरह से जो ECM को है ना वो सिग्नल नहीं दे रहा। और ECM जो है वो फ्यूल इंजेक्टर को उसी तरह से ना सप्लाई नहीं दे रहा, मतलब एक कंटिन्यूटी नहीं दे रहा और फ्यूल इंजेक्टर जो है ना वो पिस्टन पर सही तरह से ना फ्यूल इंजेक्ट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ना गाड़ी का जो RPM है ना वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पर ना इसके केम सेंसर की लोकेशन है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर इसके केम सेंसर की लोकेशन है। जो गाड़ी लंबा सल्फ ले रही है ना इसी का ही मसला है। अभी ये हो रहा है केम सेंसर, वो ओपन करके ना ये लगाएंगे फिर सल्फ लगा कर चेक करेंगे। इसका होता है 10 mm का बोल्ट, वो ओपन करके ना फिर इसको पीछे की तरफ खींचते हैं तो ये बाहर निकल आते हैं। ये इसका हमने बोल्ट खोला है 10 का और ये भी सेंसर हमने इसका ना निकाल लिया।
सर्टिफिकेट। गाड़ी का भी एक्सीलेटर जो है ना बिल्कुल एग्जैक्ट अपनी मतलब के पॉइंट पर है, नो चेक इंजन लाइट। अल्हम्दुलिल्लाह जो गाड़ी है ना वो क्लियर है, और लाइव डाटा में ना आपको इसकी रीडिंग चेक कराते हैं।